सारे लौंडे लौंडे भरे पड़े हैं भाई। तो जब मालदीव्स गए थे ना तो नॉर्मल पढ़ाई चल रही थी, तो मैं पढ़ाई पढ़ाई मेरा देख ऐसे बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना रूटीन बताओ, अपनी स्ट्रैटेजी बताओ। कोई स्ट्रैटेजी नहीं भाई, अपना मैक्सिमम देना होता है। लेकिन एक स्ट्रैटेजी जो मैं हमेशा लगाता हूँ, आईटी में भी लगाई थी, किसी भी एग्जाम में, कि मैं इसे बहुत लोग बोलते हैं कि पहले टेस्ट पेपर करना शुरू कर दो या फिर पहले पास करके क्वेश्चन पेपर देख लो, उससे आइडिया लग जाएगा। वो सही चीज़ है, लेकिन मैं वो नहीं करता। ये सिर्फ मेरा तरीका है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर क्वेश्चन देख भी लूंगा मुझे कोई हवा ही नहीं लगेगी, प्लस फिर मैं क्वेश्चन के लिए ही थोड़ा पढ़ूंगा। तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करता हूँ, मेरा था इसमें, मैंने सिलेबस कंप्लीट किया। तो जब मालदीव वाली में सिलेबस कंप्लीट हो रहा था, फिर मैंने एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली। मैंने कहा अब टाइम है, आखिरी का एक महीना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर। और मेरा प्लान था कि भाई 29 सितंबर को एग्जाम है, 15 सितंबर से हम व्लॉगिंग बंद कर देंगे, तो 10-12 दिन बहुत है कि हम उस दिन फाड़ देंगे। 1 सितंबर को मैंने टेस्ट सीरीज दी और मेरे टेस्ट में 400 में से 140 नंबर आए। टेस्ट ने आपके फाड़ दी? फाड़ दी, चिथड़ा कर दी। फिर मुझे लगा भाई ये काम धाम खराब हो रहा है और बंद करते हैं। तो बंद करके फिर मेरे नोट्स वहां पे सौरभ से भी मिलने गए थे, साथ साथ सारी जगह साथ साथ गए थे। लेकिन मोटे इतने नोट्स बनाए थे, ये पेस्ट हो जाते, दोबारा पढ़ना पड़ता था, पढ़ जाते। सही में जब लगा था एक हफ्ते में 10 दिन में ये मैंने इतना पढ़ लिया था। ये तो कम पड़ा आखिरी के 10 दिन में। पापा के मुंह पे स्माइल आया, लेकिन जस्ट बाबा मिक्स। हां तो मैं कह रहा था स्ट्रेटजी, तो फिर मैं मेरा मेम रहता है कि हमेशा मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूं, उसके बाद में टेस्ट पेपर, फिर फाड़ के मैं टेस्ट पेपर ही करता हूं। और उसके बाद फिर मैं जो सिलेबस है ना, फिर मैं क्या करता हूं, फिर मैंने क्वेश्चन लगाया। अब मान लो मेरे स्पीकर का क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, स्पीकर को गलत हो गया, फिर मैं वापस जाके स्पीकर का पूरा फिर से पढ़ लूंगा। तो मेरा रिवीजन स्ट्रेटजी मेरी ये रहती है, कोई भी एक छोटा सा क्वेश्चन गलत हो गया इमरजेंसी में से, तो मैं वापस जाके इमरजेंसी का पूरा चैप्टर कवर कर लूंगा। तो मेरे को उसमें एक टेस्ट पेपर, लोगों को लगता है भाई दिन में 4-4 टेस्ट पेपर करो, लेकिन मेरे से दिन में एक ही टेस्ट पेपर हुआ रहा। मान लो मेरे 25 क्वेश्चन गलत हो गए ना, तो मेरे 25 टॉपिक पूरे मेन कवर रहते थे। तो मेरी पढ़ने की स्ट्रेटजी है, लोगों ने मुझसे पूछना, हमने वाली स्टोरी शेयर की गुलमर्ग वाली लोगों से, तो डेट दिखा था ना, देखो डेट देखो आप आओ। वो मनाया 17 अक्टूबर का, 17 अक्टूबर 2020 को जब तूने पहली बार डिसाइड किया था वहाँ पे दिल्ली वाले घर में, पहली बार डिसाइड मैंने 17 अक्टूबर को पढ़ा। तो मैं डेट डालता हूँ, 19 आ गई, 21 अक्टूबर आ गई, 26 अक्टूबर आ गई, मैं पढ़ रहा था। फिर 3 नवम्बर आ गई, चलो पढ़ रहा हूँ, 4 नवम्बर आ गई, फिर 7 फरवरी, तो 6 नवम्बर के बाद टेम्पो डाउन हो गया मेरा। 6 नवम्बर तक खूब पढ़ा मैंने, खूब पढ़ा। हम लोग गुलमर्ग गए थे, गुलमर्ग में स्कीइंग वीइंग करके आ रहे थे, गुलमर्ग में गए भाई, टांग खुड़वा के आ गई, बर्फ लगा रहे, गर्म पानी लगा रहे, बस डिस्कशन स्टार्ट कैसे हुआ हमें पता नहीं चला। बट देन यू आर लाइक यार हमें लाइफ में करना क्या, हम जिंदगी भर ऐसे ही ट्रैवल करते, गेमिंग कर रहे थे। नहीं मुझे याद है, पहले ट्रैवल से हुआ कि यार ट्रैवल करने से मतलब क्या, मतलब कहाँ पहुंचेंगे, करना है जिंदगी भर ऐसा वीडियो भी बनाते रहेंगे, जिंदगी भर क्या करना है, क्योंकि जॉब तो पायलट जॉब तो थी नहीं। लेकिन हाँ सबसे ज्यादा शुक्रिया मैं एयर एशिया भी करना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों की वजह से, जब आपने लात मारी अपने उसमें चक्कर में, तो क्योंकि लाइफ कहाँ से कहाँ किसी को ले जा पता नहीं चलता। तो अगर आप नहीं होता ऐसा, तो फिर मैं लाइफ का तवज्जो नहीं खोलता यार, उस समय लगा था कि इतनी जिंदगी खराब हो गई, कुछ नहीं हो सकता, बट टचवुड भगवान ने और रास्ते खोले। भगवान हमेशा आपको ऑप्शंस देता है, लेकिन हम ही उसको नहीं देख पाते यार, हम अपने जो कर रहे होते हैं जिस चीज में उसमें इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि आप एक फिक्स सैलरी आ रही होती है, स्पेशली द एज आई एम इन, कि आपकी वाइफ है बच्चे हैं, बहुत डिफिकल्ट और बहुत डर लगता है कुछ नया स्टेप लेने से। हमें लगता है कि जब हुआ था ऐसा, तो मेरे को बहुत लोगों ने बोला, इवन आई कंसल्टेड सम एडवोकेट, जिन्होंने बोला कि आप सॉरी बोल दीजिए, उनको बोलिए कि सॉरी हो गया, गलती हो गई। मुझे अंदर से आवाज आई कि ठीक नहीं लगा, कि भाई जब गलती है तो सॉरी क्यों बोले। तो फिर मैंने कहा नहीं, इसको टेकअप करते हैं। फिर एक बाकी काफी अच्छे एडवोकेट मिले, उन्होंने बोला कि जब आपने कुछ किया नहीं है, नंबर वन वो तो आपने है, दूसरी चीज अगर आप फियरलेस हो गए तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। तो उनकी बात मुझे आज तक याद है, फियरलेस बंदे को कोई नहीं हरा सकता, इफ यू हैव नथिंग टू लूज नोबडी कैन डिफीट यू। तो फिर मैं आगे बढ़ गया। फिर मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को जिंदगी मौका देती है, लेकिन हमें लगता है कि वो रिस्क ज्यादा है उस पाथ में, तो इसलिए हम उसको लेते नहीं है। हाँ मतलब एकदम ब्लाइंड रिस्क भी नहीं होना चाहिए, रिस्क था ये। तो जब छूट गई जॉब, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो फिर हमने डेली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। अगर मैं जॉब कर रहा होता तो मैं कभी भी डेली व्लॉगिंग नहीं कर पाता, जो मेरा पहले का रूटीन था, हफ्ते में 2 वीडियोस आ गई, बहुत ज्यादा 3 आ गई, तो शायद वही चलता रहता, वही नॉर्मल लाइफ चलती रहती। हाँ फिर जब टांग टूट गई गुलमर्ग में, तो फिर डिसाइड किया कि करना क्या, फिर हम गेमिंग कर रहे, तो गेमिंग में हमें था कि यार मजा नहीं आता गेमिंग में, बिल्कुल मजा नहीं आता। और मैं सही बताऊंगा, मेरे पास गेमिंग के
तीन चार कंपनीज के बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे और वो कॉन्ट्रैक्ट से काफी अच्छा पैसा हमें आ रहा था। सबसे वो बड़ा डिसीजन था तो क्योंकि वो मंथली अमाउंट छोड़ दो और कि बस पढ़ो कि जिसका कुछ श्योरिटी नहीं है। तो गेमिंग ऐसी एक अब तो देख मैंने गेमिंग फॉलो करना छोड़ दिया बट आई एम श्योर राइट नाउ आल्सो इट इज ग्रोइंग कम्युनिटी और आ नहीं रहा था वो एज नहीं आती। अब खुद भी गेम खेलने में उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों नहीं आ रहा था वो एज नहीं रही यार। लेकिन बताए चाहे इंटरेस्ट नहीं आ रहा था चाहे मैं नूब था चाहे कुछ था लेकिन हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ट ऑफ द कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट और बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट थे और सरप्राइजिंगली दैट कंपनीज वर टेलिंग अस कि आप बहुत अच्छे कर रहे हैं सही में रिटर्न बहुत अच्छे आ रहे हैं और एंगेजमेंट भी अच्छी जा रही थी एंड लाइक वी वर द टॉप क्रिएटर्स उस बंच में। जब मैंने ये सुना था क्योंकि मैं इनकी मैनेजर हूँ तो मैं कहा सब सही कह रहे हो क्या कोचिंग में थे हम याद है स्विमिंग पूल में कच्चा धोने वाला ब्लॉग बनाया था उस दिन हमें पता चला था कि वी आर द बेस्ट क्रिएटर्स उनके उसमें मतलब इंगेजमेंट बहुत अच्छी थी। तो गाइस उसको मना करना कि वो पैसा हम नहीं लेंगे हम अपना टाइम जबकि वो लॉन्ग टर्म था हमने बीच में छोड़ा था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था जुलाई में उसके बाद वो रिन्यू ही करते लेकिन हमने फेब में बीच में छोड़ा। वो बहुत बड़ा डिसीजन होता है जब आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी रकम आ रही है उसको ना बोलना किस चीज के लिए पढ़ाई के लिए जिसमें कोई श्योरिटी नहीं है चाहे ना हो या फिर उसको करके आप जिंदगी में क्या उखाड़ लेंगे। देखो लॉयर बन के पता बताऊ लॉयर बन के जो पैसा मैंने मना किया ना गेमिंग कंपनीज को मैं लॉयर बन के शायद 6-7 साल की प्रैक्टिस के बाद उतना पैसा कमा पाऊ तो एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये अच्छा लग रहा है कि हाँ वो डिसीजन लिया। तो मैं भाई मतलब कहना मैं ये चाह रहा हूँ कि यार थोड़ा सा रिस्क फैक्टर लाइफ में अपने लो कैलकुलेटेड रिस्क लो अपनी क्षमताओं को पहचानो अपने ड्रीम्स को पहचानो अपने एम्बिशंस को पहचानो और जब तक आप रिस्क नहीं लोगे तो आप एक भीड़ का हिस्सा बनके चलते रहोगे क्योंकि भीड़ के पास हिम्मत नहीं होती रिस्क लेने की। टच वुड ये भी कह सकते हो कि कुछ लोगों को भगवान हिम्मत देता है या कुछ लोग अपनी बना लेते हैं। नहीं उस दिन रात को मुझे याद है रात को बेड पे रशी सो रही थी तब लिटरली सोचा था यार गेमिंग छोड़ देते हैं। गुलमर्ग में डिसीजन किया था गुलमर्ग से हम आए थे चार पांच एनिवर्सरी थी अपनी एनिवर्सरी थी वापस आते हैं। It's been like that from the start.